अस्सलाम वालेकुम। इसी उम्मीद के साथ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे, मैं आपको इस वीडियो में वेलकम करता हूं। अभी जिस मकाम पे मैं मौजूद हूं, ये सवात का इलाका है मिंगोरा और उसमें एक जगह है फैज़ाघाट। तो रात को हमने यही स्टे किया और आपने अभी जो वीडियोस भी देख ली, ड्रोन शॉट्स भी देख लिए, जो बहुत मज़े का इलाका है। लेकिन इस जगह तक हम पहुँचे कैसे, ये अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जो रास्ता हमारा स्टार्ट से शुरू हो जाता है और हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं, तो हमारे साथ रहिए और देखिए। हमेशा की तरह सफ़र हमारा मर्दान से शुरू हो जाता है। मर्दान से इजली आपको कोई भी गाड़ी मिल जाती है, और चूंकि हम जा रहे हैं सवात में गौरा, तो वो गाड़ी भी हमें इजली मिल जाती है यहाँ से। मर्दान सिटी से निकल के हमने सवात मोटरवे पे सफ़र शुरू कर दिया है, और चकदरा इंटरचेंज पहुँचने में हमें तकरीबन 45 से 50 मिनट लग जाएंगे। तो जनाब, चकतरा इंटरचेंज से निकल के हमने सवात की तरफ टर्न कर लिया है, और ट्रैफिक आज मामूल से कुछ ज़्यादा लग रही है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। अब हम मौजूद हैं मिंगोरा में। शाम हो गई है तकरीबन, और कुछ ही देर में अंधेरा भी हो जाएगा। तो रात को हम यहाँ पहुँच चुके थे, और जैसा कि आपने वीडियो देख ली, तो यही हमारा सारा सफ़र था यहीं तक। और इस वक्त जिस मकाम पे मैं मौजूद हूँ, यह फैज़ाघाट का मकाम है। इसके बाद जो हमारी अगली मंजिल है वो है कलाम, और कलाम से फिर हमने आगे निकल के जाना है गबराल की तरफ। तो अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं गाड़ी का, और बुकिंग हमने कर ली है, गाड़ी आने वाली है, और फिर हम आपको दिखाएंगे कलाम का रास्ता, उसके साथ आगे फिर गबराल का रास्ता। तो ये सारी जगह देखने के लिए आप हमारे साथ रहिए, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। सफ़र हमारा शुरू हो गया है मिंगोरा से आगे, और इस वक्त हम पहुँच गए हैं थोड़ा सा हेला बाज़ार। आप देख सकते हैं तो जनाब, मौसम तब्दील होता हुआ, हवा ठंडी हो रही है, और कभी बारिश आ रही है, कभी धूप आ रही है। इस वक्त हम कलाम से कुछ ही फासले पे हैं, और यहाँ से तकरीबन हमें आगे लगेंगे कलाम पहुँचने तक 40 मिनट्स।
अच्छा जनाब, अब हम मौजूद हैं कलाम बाज़ार में। हम आगे ट्रेवल कर रहे हैं क्योंकि रुकना नहीं है हमने, क्योंकि आगे हमारी मंजिल है कपराल। तो हम कलाम को बाईपास करेंगे और बाईपास करते करते हमने आगे जाना है उशू की तरफ, और उशू से फिर हमने आगे निकलना है उशू कोरश से कपराल की तरफ। और ये उशू फॉरेस्ट में हमने थोड़ा सा आगे जाके अभी लेफ्ट टर्न लेना है, तो यहीं से फिर हमने आगे निकलना है कपराल की तरफ। सो गाइस, कैसा लग रहा है सफर? अभी हमने उशू फॉरेस्ट क्रॉस कर लिया और हम कपराल की तरफ जा रहे हैं। सामने आएगा त्रोड़ बाजार, तो थोड़ी देर में वो भी आ जाता है, तो वो भी आपको दिखाते हैं। तो सही रास्ता जो जानना है आपने के लिए, उसके लिए आप हमारे साथ रहिए कि आपको एग्जैक्ट रास्ता पता चल जाएगा कि आपने किस तरह कपराल जाना है, किस तरह हमने फिर आगे जगह हमने दिखानी है उधर। तो जनाब, ये खूबसूरत मंजर, क्योंकि सनसेट होने वाला है और सूरज की वजह से दिख नहीं रहा हमें, लेकिन ये इसे देख के बहुत मज़ा आ रहा है। जो आसमान का कलर जो चेंज हो गया है, बहुत मज़े का लग रहा है। अच्छा, एक इंतहाई ज़रूरी बात जो आपको मैं बताना अभी तक भूल गया था, लेकिन अगर आपने कपराल आना और आपको मतलब ट्रांसपोर्ट चाहिए, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, और आप मिंगोरा से आ रहे हो, तो आप मिंगोरा पहुंच गए हो, उधर से आपने डायरेक्टली कपराल आना है, तो यहाँ कुछ ही गाड़ियाँ अवेलेबल है। और ये जो जिनके साथ हम आए हैं, हमारे दोस्त भी है, ये जनाब रहमानुल्लाह साहब, इनका नंबर भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, डिस्क्रिप्शन में भी होगा और आपको वीडियो में भी मिल जाएगा, तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं किसी भी वक्त। और ये आपको बिल्कुल जल्दी और मज़े के साथ इंशाल्लाह कपराल पहुंचा सकते और बहुत अच्छी तरह ड्राइव करते। तो अगर आपने एंजॉय भी करना हो और साथ में सेफली पहुंचना हो, तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं किसी भी वक्त। जी गाइस, तो ये है त्रोड़ बाज़ार और आई थिंक यहाँ ज़रूरत की हर चीज़ मिल जाती है। तो तकरीबन रात होने वाली है और इस वक्त जिस इलाके में हम हैं, ये कोहिस्तान का इलाका है और यहाँ सारे जो कोहिस्तानी है वो रहते हैं। तो इससे आगे पर जो आगे इलाका आने वाले, उसे कहते हैं गुज्जर कपराल, और वही हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है आज की। अच्छा, तो एक बात आपको बतानी थी, ये जो पुल पीछे आपको नज़र आ रहा है, ये है पुल जो जंक्शन बना हुआ है गुज्जर कपराल और जो सिर्फ कपराल है उसके बीच में। तो आप इस पुल को क्रॉस करके जब आ जाते हैं आगे की तरफ, तो इस तरफ ये रास्ता गया हुआ है, ये गया है शाही बाग की तरफ। तो अगर आप किसी ने भी शाही बाग की तरफ जाना हो, तो उसने डायरेक्टली पुल को क्रॉस करके इस तरफ टर्न करना है, ठीक है? और अगर किसी ने गुज्जर कपराल और ये जो हड़हड़ी लेक वगैरह उन जगहों की तरफ जाना है, तो उन्होंने सामने जाना है इस रास्ते की तरफ।
तो ये जो पुल है ये मेनली जंक्शन का काम कर रहा है, गबराल, सिंपल गबराल, जहाँ पे मोस्टली जो कौम आबादी है वो कोहिस्तानी है, और इधर जो पुल को क्रॉस कर देते हैं आप और दूसरी साइड पे आ जाते हैं तो जो कौम आबाद है उसे कहते हैं गुज्जर। तो दोनों गबराल है, लेकिन ये गुज्जर गबराल पे मशहूर है, वो साइड पे कोहिस्तानी उस साइड पे रहते हैं। और ये रास्ता आपको मैंने फिर बता दिया कि आपने अगर शाही बाग जाना हो तो इस रास्ते से जाना है, अगर आपने गुज्जर गबराल जाना है तो आपने आगे जाना है, और हर हड़े लेक और ये सारी जगह ऊपर आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा तो गाइस पहुंच तो हम गए एक गुज्जर गबराल, और जिस तरह लग रहा था वैसे बिल्कुल नहीं था, क्योंकि अभी रात के तकरीबन 10 बज गए हैं और हम अभी पहुंच गए हैं। तो इधर पहाड़ तो मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन बादल भी है और इधर कुछ नज़र नहीं आ रहा, सर्दी और सर्दी मज़े का मौसम है। वैसे जो लोग आपको बताते हैं कि 2 से 3 घंटे में आप यहाँ पहुँच जाएंगे या 2.5 घंटे में या 2 घंटे में, तो सब झूठ बोल रहे हैं। असल बात यह है कि कलाम से ले कर यहाँ तक तकरीबन 4 घंटे तो लगते हैं। तो अभी तो रात हो चुकी है, कुछ दिखा नहीं सकते आपको, इंशाल्लाह सुबह आपको ड्रोन फुटेज भी दिखाएंगे और ये सारा इलाका आपको एक्सप्लोर कराएंगे, इंशाल्लाह बहुत इंजॉय करेंगे आप। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है और रात को हम जिस जगह पहुंच गए हैं वो ये जगह है, पीछे आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत जगह। और रात भी बड़े मज़े की गुजरी, क्योंकि थकावट भी बहुत थी और बहुत ज़्यादा थी, इसके अलावा नींद भी बहुत आई थी ज़ोरों की, तो पता ही नहीं चला कि कितनी सुबह हो गई है। अब अगला हमारा जो टारगेट है वो भी आपको बताते जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस जगह की वीडियो वगैरह दिखाएंगे, तो आप ये वीडियो देख के इंजॉय करें।